we can see very clearly that Paul is giving a series of advice as a reply to few queries of the Corinthian church elders who wrote to him asking for guidelines. और हम देखते हैं कि प्रेरित पौलोस जब सातवां अध्याय से पढ़ते समय में कुरिन्थ कलीसिया के भाई लोगों ने पौलोस को जब सवाल पूछा था, उस सवाल का एक एक सवाल के हिसाब से पौलोस सातवां अध्याय में वो जवाब देता है। Because there was no rule, proper rule of righteousness governing them before that. Everybody were living each to their own conscience and nobody was involved in judging other brothers. So that kind of frivolous, society they were living in. क्योंकि वहां पर धार्मिकता का विषय में जो संयमता से और ईमानदारी से धार्मिकता में जो जीना चाहिए था, उस बात का अवस्था वहां पर कलीसिया में नहीं था। वहां पर कोई भी ज्ञानवान भाई लोग नहीं थे, जिसकी वजह से लोग एकदम उधर के भाई लोग एकदम खुला जी रहे थे, जैसा समाज में जी रहे थे वैसा वही बातों का अवस्था में वो लोग कलीसिया में भी जी रहे थे। So the Paul wants to deal with this particular issue of how to maintain the sexual sanctity in the church. That is why we can see the letters written in 5, 6, and 7. और हम देखते हैं कि जो व्यभिचार के द्वारा जो पाप वहां पर होता है वो वहां पर ना रहे और सब लोग भाइयों के बीच सब लोग आपस में पवित्र बने रहे, उसको बरकरार रखने के लिए पौलोस वहां पर 5, 6, और 7 अध्याय में मुख्यतः का वो बात बताता है। And so we see that he begins with, first he begins with dealing with one particular brother who has crossed all the limit with respect to this particular sexual sin, and he judges that brother out of the church. और हम देखते हैं कि सबसे पहला पौलोस वो वहां पर एक ऐसा भाई के साथ वो कार्य करता है, कलीसिया को न्याय करने के लिए कहता है, जो जिसने ये व्यभिचार में बहुत बड़ा उन्होंने गुनाह किया था, पाप किया था, और वो चाहता था कि कलीसिया इस विषय में सब लोग मिलकर एक न्याय करे और उसको कलीसिया से बाहर निकाले, जो हम 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। So he introduced the system of, you know, bringing the disciplinary rules of judging or governing a church with righteousness. और इस रीति से पौलोस वहां पर कलीसिया में नियम लाता है, एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून, ताकि सब बातों से धार्मिकता में बने रहे और सब बात सभी लोग आत्मा में वो लोग पढ़ कर सही रीति से उस पर कार्य करें। He brings the rule of judging, judging, so that in the house of God itself, first the judgment should take place and ensure that no leaven remains and there is a purity maintained in the church. जिसकी वजह से पौलोस वहां पर जो धर्म के साथ न्याय करने का विषय का बात को वो वहां पर उत्पन्न करता है, शुरू करता है, ताकि भाई लोग आपस में धर्म से न्याय कर सके और उस न्याय करने के वजह से कलीसिया में परमेश्वर का भय और वो पवित्रता वहां पर बरकरार रहे, पवित्रता में वहां पर भाई लोग चलते रहे। और जो भी अशुद्ध बात, जो भी गलत बात वहां पर होता है, उस सबका न्याय होना चाहिए। Before that, everybody were living frivolous life, independent life, and nobody was involving in any other person's private life. So that just like how it happens in the world, the church is not the world. तो पहला क्या होता था कि वहाँ पर सभी एकदम खुला अवस्था में रहता था, सब लोग खुला अपना मनमर्जी का जीवन वो लोग जीते थे कलीसिया में। कोई भी एक भाई दूसरा भाई का गलतियों को बताता नहीं था, सब उसी गलती में चलते रहता था। जैसा दुनिया में भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति कुछ गलती करता तो कोई उसमें बीच में नहीं आता, इसलिए परंतु कलीसिया जो संसार जो है वो कलीसिया नहीं है।
And so then he very clearly Paul states that you will not have any company with such a brother. He must be thrown out of the house of God. इसीलिए पौलुस वहां पर एकदम एकदम शक्त रीति से वो कहता है कि तुम्हें इस तरह के भाइयों के साथ तुम कोई संगति और सहभागिता रहना नहीं चाहिए, उससे तुम लोग दूर रहना है. Which is very clear from the teachings of the unleavened feast of unleavened bread, which you know even Brother Bensi clearly taught us the other day, that there shall be no leaven found. Not only in your bread which you will be eating, but it shall not be found even in the house where you are living. और जिस तरह हमने आग हमारी रोटी का पर्व के बारे में हमने देखा था, जब भाई बेंसी ने उस विषय में बांटा था, वहां पर हमने देखा था किस रीति से कोई भी खमीरपन उस रोटी में भी रहना नहीं चाहिए और घर में और तुम्हारे बीच में कुछ भी खमीरता रहना नहीं चाहिए. And then after dealing with that issue, he comes and tells them. Now in this case, so if a person is in sexual immoral sin, you should not have a company with such a brother. और उसके बाद फिर वहाँ पर पौलुस वहाँ पर कहता है कि इसलिए इस रीति से यदि तुम्हारे बीच में कोई जो अपने आप को भाई कहता है और व्यभिचार का पाप में अगर बना है तो उसके साथ कोई भी सहभागिता ना रखे. And then, but then, if he stopped accompanying with such a brother, when you go out into the world is full of such brothers, such people like this brother. So what will you do in that case? What rules should apply? How can I bring a sinner or unbeliever to the church in that case? Then I cannot bring them here. परंतु जब ऐसा कानून जब ऐसा बात आता है कि व्यभिचार करने वाला जो अपने आपको भाई कहता है और व्यभिचारी है उसे संगति ना करो करके बोलते हैं, सहभागिता नहीं रखना बोलने के बाद, फिर बाद में जब मैं संसार में जाते हैं समय में संसार का अवस्था क्या है, उधर के लोग भी ऐसे ही पाप करते हैं, इसी रीति से जीते हैं, तो उसको मैं कैसा फिर मैं उसे कलीसिया में लाना चाहिए क्या, उसके साथ में सहभागिता रखना चाहिए क्या? No, with the world, this rule shall not apply. I can bring any sinner to the church so that, you know, he may be saved. So he has to listen to the church members and gospel to be saved. So the right place to bring such an unbeliever would be the church. So we used to bring so many people in the church. You know, please come and visit. Please come and visit in that way. That way I did so many witnessing. I don't have a number of counts. How many of them I must have witnessed while I was in New Life. इसके लिए तो बट मैं वचन पढ़ते समय में मुझे एक बात समझ में आया है कि संसार के लोगों के साथ ये कानून लागू नहीं होता, बल्कि हमें संसार में जो लोगों को है वहां पर हम लोगों को सुसमाचार बोलकर उनको और खरा उपदेश में लाने के लिए उनको कलीसिया में लाना है, क्योंकि कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर का अधिकार चलता है और परमेश्वर का बातें वो समझ सकता है. मेरे न्यू लाइफ के दिनों में मैं पता नहीं अनगिनत लोगों को मैं बाहर जाकर सुसमाचार बोलकर मैं उनको कहता था एक बार कैसा भी करके मेरा कलीसिया में आओ और हमारा संगति देखो और तुम लोग आओ बोलकर ऐसा लोगों को मैं बाहर के लोगों को मैं प्रोत्साहन करता था. Which is not happening in our church in Goregaon in a very distinct and a clear manner. There is a need for us to complement that particular aspect in our church. जो हम देखते हैं कि हमारा संगति में गोरेगांव कलीसिया में इस विषय का कार्य सुसमाचार बोलकर नए लोगों को कलीसिया में लाने का विषय का कार्य नहीं हो रहा है जो मैंने देखा है. हमें उस विषय के बातों को भी कलीसिया में हमें लो भाइयों को प्रोत्साहन देकर बाहर के लोगों को भी कलीसिया में संगति के लिए हमें लाना है. But while we are innocently we want to bring so many people into the knowledge of the faith, we have to be very very careful, we have to be very very discerning as to what kind of spirit is dwelling in that man. What kind of character that man is? You know, sinners are everyone. Adulterers are everyone. There's none who is without sin. But is that particular person, is there any anointing of the Holy Spirit working in that brother to, you know, bringing him to repentance or drawing him close to God, or a seeking heart has come into that brother or not? What is the intent of his coming? Is it to know about God?
So we should be very careful in discerning what kind of people you are trying to witness and trying to bring them into the church. I did a lot of mistake and error, not discerning properly, out of foolish maturity. तो जब हम लोग, ये तो बात सच है कि हमें जब लोगों को सुसमाचार बोलकर कलीसिया को, कलीसिया में नए लोगों को लाना है, जैसा हम लोग काम कर तो रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ एक बात हमें बात समझना है कि उस भाई का अवस्था, वो नया व्यक्ति जो आ रहा है, उस व्यक्ति को हमें परखना चाहिए क्या प्रभु का आत्मा सचमुच उसके अंदर कार्य कर रहा है कि नहीं, क्या उसको नम्रता का अवस्था उसके अंदर हुआ है, क्या पश्चाताप का दशा उसके अंदर आया है, क्या वो अगर कलीसिया में आते समय में वो किस उद्देश्य से आ रहा है, क्या कारण होगा कि वो आएगा तो क्या उसको लाभ होगा, क्या क्या कलीसिया को लाभ होगा क्या, या वो व्यक्ति का अवस्था क्या है करके, इस रीति से जो भाई एक नया भार के व्यक्ति को बाहर लेकर आते, अंदर लेकर कलीसिया में लेकर आते समय में वो अच्छी तरह से परख कर जानना चाहिए कि वो फायदा हो। क्योंकि जब मैं ऐसे नए लोगों को कलीसिया में लाते समय में, मैंने उस समय में बहुत मैंने गड़बड़ी किया था, बहुत गलतियां मैंने किया था। One of the mistakes that I want to confess, I can, which I did was, I brought a very, very worldly man who was full of adultery. He didn't, I don't know how many counts of girlfriends he had, and I brought him once, I used to persuade him to come to church, and he would always laugh and said, no, you must come, how long will you do like this? And I used to persuade him to come. So one day he came eagerly, suddenly. I was thinking, what happened? Suddenly you're planning to come. Yeah, honestly, he did not say anything. Yeah, I'm coming. At the entire meeting, I was observing. He was not even looking at the preacher who was preaching. He was just looking around here and there. And when the pastor tried to lay a hand upon his head, he suddenly withdrew himself. He said, he openly said, you all are very godly people. Actually, I came here only for time pass. I thought, church means all sexy girls will come. I came to only see girls. This is the reason why he came. And I felt so much sorry. I felt crying like, Lord, what did I do? What kind of people do you bring into the church? You have to be very careful. तो इसके लिए सबसे बड़ा गलती जब मेरे जीवन में हुआ था, मैंने एक मेरा दोस्त को, जब मैं कलीसिया में, मैं उसको बहुत बार उसको मैं बोलता था कलीसिया में आ। जो मेरा सबसे बड़ा गलती ये था कि मुझे उस व्यक्ति का स्वभाव मैं जानता था। वो बहुत सा व्यभिचारी भाई था, व्यक्ति था जो बहुत व्यभिचार कर चुका था और अन्य अन्य स्त्रियों के साथ उसका रिश्ता था। और एक दिन अचानक जो मैं हमेशा बोलता था, भाई एक बार कलीसिया में आ जा, कितना दिन तू ऐसा जिंदगी जिएगा, इस तरह बातें बोल कर एक दिन अचानक वो व्यक्ति अचानक वो आता है कलीसिया में, उसको संगति में आना है, देखना है करके बोलकर वो आता है। और मैं तभी मैं शौक हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि अचानक ये क्यों आया। और जब वो मीटिंग में बैठते समय में मैं उस पर नजर रख रहा था, तो मैंने देखा कि वो उस समय में जो वचन चल रहा है उस पर किधर भी ध्यान नहीं है, बल्कि वो उधर इधर देखकर बाकी लोगों को उधर इधर वो देख रहा था, वचन में या बाकी के चर्च के का जो बातें चल रहा था कलीसिया में सेवा में, उस पर उसका मन नहीं था। और आखिरी में हम देखते हैं जब हमारा चर्च का पास्टर ने आया और जो नए लोग आते हैं उनके ऊपर सर पे हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, ऐसा जब मेरा दोस्त के ऊपर हाथ रखने आया तो वो तुरंत वो हाथ से हट गया, डर गया और वो बोलने लगा, नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर ये सब करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उधर बस ऐसी मैं टाइम पास करने आया, मैंने सोचा था इधर अच्छे अच्छे लड़कियां आते हैं इसके लिए, वो सब बात ऐसा सब बातों का, शारीरिक बातों का, उसका अभिलाषा को पूरा करने के लिए वो आया। तो ये सब बातें जब मैं सुना तो मैं अपने आप में मैं डर गया और मैं बस सोचने और मैं रोने का दशा में आ गया कि ऐसा क्यों, ये क्या गलती मैंने कर बैठा करके। इसलिए प्रियो, हमें कलीसिया में यदि कोई नया व्यक्ति को ला रहा है तो हमें अच्छी तरह से वो भाई, उस व्यक्ति का अवस्था क्या है, परिस्थिति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, समझ कर ही उसको लाना है। Amen. So this is the second aspect of Paul's dealing, giving wisdom, how to deal with people outside and how to deal with people inside. तो इस यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह पौलोस वहां पर ये बात वो बताता समझाता है कि कलीसिया में तुम लोग बाहर के लोगों के साथ कैसा तुम लोग को कार्य करना है और अंदर के लोगों, जो कलीसिया के अंदर के लोग हैं, भाई लोग हैं, उनके साथ कैसा कार्य करना है, वहां पर पौलोस वो फर्क दिखाता है। So, this particular sin is such a sin which is
what was Paul trying to deal with the Corinthian church. और इस तरह के पाप के विषय में वहां पर पौलुस कुरिन्थ कलीसिया के लोगों के साथ भाइयों के साथ वो कार्य कर रहा था, सामना कर रहा था. The people needed wisdom and regarding how to walk in the house of God once you are born again, baptized and saved in the church. और उधर कलीसिया के लोगों को वो बुद्धि का ज्ञान का जरूरत था कि किस रीति से एक बार नया जन्म होकर बपतिस्मा लेने के बाद जो धार्मिकता का भवन है, परमेश्वर का भवन है, उस भवन में उनका चाल चलन कैसा होना चाहिए, किस रीति से वो लोग अपने आप को बनाए रखना है, ये बात का ज्ञान का जरूरी था लोगों को, कुरिन्थ कलीसिया के भाइयों को. For those whose mind is not converted, they cannot understand why such a law or such a law rule Lord made regarding abstaining from committing any sexual sins. Why it is considered a sin? और जो जिस और जिसका मन का रूपांतर हुआ नहीं है उन लोग को ये बात समझ में नहीं आएगा. उन लोग बस इस तरह का कानून और व्यवस्था क्यों है करके वो लोग सोचेंगे कि प्रभु इतना शक्ति क्यों, व्यभिचार के विषय में परमेश्वर इतना शक्ति से क्यों कार्य करता है. I have born again brothers who have fellowship with me and they said that we can understand all the righteous nature of God and why God forbids certain sins not to be done, but why it is included even sexual sin, sex, committing sex, or looking at a beautiful girl and desiring for a girl. Why this is God made a law? God restricting us in this particular area. At least there we should have got some concession of freedom to do or exercise our bodily pleasure to enjoy. और मैं बहुत से मसीह लोगों को जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, नया जन्म पाए विश्वासी लोग, उनके साथ मैंने संगति किया है और उन लोग उस तरह एक इस तरह जवाब वो लोग देने लगे, बोलने लगे कि हम समझते हैं कि परमेश्वर ने जब कली कुछ बातें बोलते समय में ये पाप नहीं करना वो पाप नहीं करना, तो लोग कहने लगे कि हम समझते हैं कि परमेश्वर क्यों इस रीति से कहता है कि ये पाप नहीं करना वो पाप नहीं करना, क्योंकि उसका एक कारण था. परंतु परमेश्वर जब व्यभिचार के विषय में आते समय में क्यों परमेश्वर इतना शक्ति से इतना कानून प्रभु ला रहा है, तुम कोई भी एक स्त्री को तुम लोग नहीं देखना, तुमने देख लिया तो तुमने व्यभिचार कर लिया है, इस तरह का बातें बोलकर वहां कम से कम ये इस बात में तो हमारा शरीर का भूख विलास को पूरा करने के लिए, शरीर में जो अभिलाषा बढ़कर आया है उस बात को पूरा करने के लिए कुछ तो छूट देना चाहिए था ना प्रभु. In this matter, there are so many cults that have risen up where they are not, strict, where they are giving much freedom to exercise as much as pleasure. Their sensual pleasures to be, practiced. There are cults formed, and many people are joining such cults because, there they have such a freedom to, exercise this particular sin. And through that, they are worshipping and glorifying God. That it is that kind of religion they are promoting. और जिसके वजह से हम देखते हैं कि ये विषय में व्यभिचार के विषय में हम देखते हैं कि बहुत सा धर्म संप्रदाय शुरू हो गया है, ऐसा धर्म संप्रदाय जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है. और ये लोग क्या करते हैं इस विषय में, उन लोग ने जो व्यभिचार का विषय का पाप में उन लोग ने बहुत छूट देकर रखा है और लोगों को बोलते हैं कि तुम्हारा भोग विलास तुम्हारे ऊपर जो शरीर में जो अभिलाषा आता है उसको तुम लोग पूरा कर सकते हो बोलकर इस तरह का बातों को बोलकर लोगों को बहुत से लोगों को आकर्षण करता है. और इस तरह का जो कल्ट के ग्रुप है जो अलग अलग संगठन के धर्म के ये लोग सब लोग इस विषय में उधर लोग वहां पर बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां पर एकदम आजादी है, वो लोग अपना शरीर का पूरा मोह को वो लोग पूर्ण रीति से वो लोग पूरा कर सकते हैं सोचकर, ये बात का स्वतंत्रता है देखकर बहुत लोग उसमें जुड़ जाते हैं. I have met people of such cults and I have talked with them and it's such a horrific state, they are so blinded. I've spoken to both men and women, both of their cult.
और मैं ऐसा संगठना के लोगों से मैं मिला हूँ, दोनों उधर के लोगों के, दोनों पुरुष और दोनों स्त्री, दोनों के प्रकार के लोगों को मैं मिला हूँ, और मैं उनसे बात करके समझ में आया है कि वो लोग कितना बड़ा गंदगी और कितना बड़ा पाप में वो लोग गिर चुके हैं। वो लोग to do because this is given by God and we are supposed to be united in love. And this is how they express their love. और वो लोग इतना तक बोलने लगा कि जो संभोग करना है वो एक अच्छा बात है, एक पवित्र बात है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको करने के लिए बोला है। हम परमेश्वर का आराधना करते हैं, वो एक प्यार का प्रदर्शन है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा प्यार करना, तो इस तरह हम लोग एक कर हम लोग प्यार का प्रदर्शन कर रहे हैं बोलकर इस तरह का बातें वो लोग अपना अभिलाषा को तृप्त करने के विषय में वो लोग बोलने लगे। The point I am trying to come to is why God has, you know, clearly warned us and you know from entering into such a you know crime or sin. Why is it a sin? और इसलिए मेरा विषय ये है, मुद्दा ये है कि हम लोग समझना चाहिए कि परमेश्वर व्यभिचार के विषय में आते समय में क्यों इतना गंभीर विषय में इस पे कार्य करके प्रभु बोलता है, और इसको पाप है करके क्यों प्रभु कहता है। We need to understand that from the spiritual world view, from the spiritual side, what actually takes place. In the spirit realm. और हमें इस विषय को हम लोग आत्मिक रीति से हमें समझना है, क्योंकि ऐसा पाप करते समय में आत्मिक दुनिया में भी कुछ कार्य होता है, इसका इफेक्ट होता है, जो हम लोग इस धरती में करते समय में उसी समय में आत्मिक दुनिया में भी कुछ बातें होता है जो बहुत गंभीर बात है, वो बात को समझना जरूरी है। You see, the heaven was filled with holiness and everybody was faithful to God. And even the angelic beings, even before the fall, the entire host of heaven were under the headship of God, Godhead, and there was such a holiness maintained there due by faithfulness. और हम देखते हैं कि शैतान पाप में गिरने से पहले वहां पर स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बीच में जो आत्मिक दुनिया में है वो स्वर्गीय स्थानों में बहुत वहां पर कितना कित रीति से पवित्रता है वहां पर बरकरार रहा था, और वहां पर वो लोग सब लोग परमेश्वर के अधीन थे, परमेश्वर के अधिकार में वो लोग अधीन थे, और उस पवित्रता में परमेश्वर का कानून को मानकर वो लोग जी रहे थे। वन डे परंतु एक दिन लूसिफर चोज टू डिटैच हिमसेल्फ हिज फेथफुलनेस एंड यू नो He left the Lord and he started his own seeking his own pleasure outside the pleasure for which angels were assigned to. Their pleasure was only in God. Now another pleasure apart from loving God, the faithfulness and the commitment to God was taken away and broken off, and this Lucifer, he started seeking for pleasure apart from God, in seeking his own pleasure, his own, you know, desire to become somebody. और हम देखते हैं कि एक दिन लुसिफर जो है उसको एक दिन परमेश्वर के खिलाफ बगावत करके बलवा कर परमेश्वर के वो खिलाफ होता है और अपने आप को परमेश्वर से वो दूर करता है, और हम देखते हैं कि वो एक मूल कारण व्यक्ति था, जो हम देखते हैं कि स्वर्गदूत लोग, जो सभी स्वर्गदूत लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास योग्य होकर आज्ञाकारिता में वो लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने देख रहे थे, परंतु एक दिन शैतान का इस कार्य के वजह से उन शैतान ने एक ऐसा अलग सा एक आनंद उसने ढूंढने लगा, एक अलग से बात पर जो हमेशा विश्वास योग्य था वो प्रभु से वो विश्वास योग्यता को छोड़कर कुछ अलग बात पर वो अपना अभिलाषा को वो पूरा करने के लिए, खुशी मनाने के लिए या अपने आप को खुश करके जीने का अवस्था में वो खो बैठा जो परमेश्वर के विरुद्ध था।
जो ऐसा एक समय में सिर्फ प्रभु को सेवा करना ही उनका खुशी और आनंद था, उसी में वो लोग तृप्त होते थे। परंतु शैतान का उस कार्य की वजह से अब एक दूसरा भी चीज आ गई, एक अलग चीज, एक बाहर का चीज है जिससे वो लोग तृप्तता ढूंढने लगे, जिसके वजह से परमेश्वर के खिलाफ वो लोग, परमेश्वर के साथ जो विश्वास योग्यता था वो टूट गया। So this very root of, you know, of breaking away from your faithful commitment towards his house, whom you were assigned to, that breaking of that law and trying to seek somebody else outside your spouse's limit, going out and finding some other pleasure outside your marriage confinement is the very nature and the root of Satan. और हम देखते हैं कि यही बुनियाद है जब हम शैतान ने, उसने परमेश्वर को छोड़ जो सेवा करने में जो तृप्तता आनंद मिलता था उसको छोड़कर कुछ और बातों में अपना खुशी में वो बात जीने लगा, उस यही बुनियाद है। हम देखते हैं एक पति पत्नी के जीवन में जब एक पत्नी या पत्नी अपना जो पति अपना पत्नी के लिए नियुक्त किया था उस पत्नी को वो छोड़कर इस तरह विवाह से जो बंधन में बंधा था उस बंधन को वो छोड़कर बाकी बाहर जाकर वो अपना अभिलाषा को पूरा करने का अवस्था को करने देखता है। वही बात है, वही तत्व है जो स्वर्गदूतों ने उस समय में लूसिफर ने वो किया था, वही तत्व जो है आज उसका बुनियाद बन चुका है। जबकि पति पत्नी को साथ में रहना है, बल्कि अभी क्या हो गया, उस विवाह का बंधन को वो लोग तोड़कर उससे बाहर निकलकर दूसरा अपना अपना खुशी, खुद का खुशी वो लोग उत्पन्न करने देख रहे हैं। Each time when a person, you know, finds and commits into a sexual sin outside his marriage limit, it's reminding God or and it bleeds him of the very act which Lucifer did. और जब भी एक व्यक्ति इस तरह का कली जो विवाह के बाहर निकलकर जब वो व्यभिचार का पाप करता है, वो वही कार्य करता है जो शैतान ने उन दिनों में बलवा किया जब वो लूसिफर रहते समय में, और ये पाप करते समय में बार बार परमेश्वर वो बातों को याद करता है जो उस समय में लूसिफर ने किया था। When the real sin of adultery is actually the sin of leaving your own God and going after other gods or goddesses, which is the dark satanic spirit of this world. और जो सच्चा व्यभिचार का जो गुना, जो बुनियाद है, जो गुना है, वो ये है कि जिस परमेश्वर के साथ मुझे पूरा समय तक विश्वास योग्यता में रहकर सिर्फ मेरा एक ही परमेश्वर है उसी को तन मन लगाकर सेवा करने चाहिए था, व्यभिचार का वो आत्मा वो क्या करता है, मुझे ये सच्चा जीवित है परमेश्वर को छोड़ मैं कोई दूसरा देव को ढूंढता हूँ या देवी को ढूंढकर, और मैं जीवित है परमेश्वर का जो सेवा करने का खुशी छोड़कर दूसरा अन्य देवों के पीछे जाते समय में, ये है जो सबसे बड़ा पाप जो शैतान पूरा अंधकार का सामर्थ्य लोगों के अंदर करवाता है। The Old Testament, you know how much God loved Israel, and in how much God cares for Israel. He provides for Israel. He stands for Israel. But Israel would forget him, you know, forget his benefits, and then they turn to other gods and goddesses, you know, go after the other beautiful women, you know, through whom, you know, Satan would, you know, enchant them and track them and, you know, draw them away, and in this way, you know, Lord would say, you have committed harlotry against me, you have committed adultery against me. So the real sin of adultery is turning away from your own God. When that's spiritually, when you have sinned against your own God, it will reflect in your personal life in flesh, that particular brother or sister will often find a weakness and will always have tendency to commit adultery or fornication, because he is actually, before even committing that physical sin, in the spirit he has already committed adultery with God.
इसके लिए हम देखते हैं पुराने नियम में, हम देखते हैं कि परमेश्वर कितने बार इसराइल के साथ प्रभु ने दया दिखाया, इसराइल के लिए खड़ा था, इसराइल को बचाया, इसराइल को कितना सहायता किया, इतना सुविधा इसराइल को देने के बाद भी हम देखते हैं कि थोड़ा समय के बाद वो लोग इसराइल लोग जीवित है परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवों को वो लोग पीछे चले जाते थे। इस रीति से वो लोग ने परमेश्वर को वो लोग ने दुखाया था। और यही जो व्यभिचार का पाप का जो सबसे बड़ा बुनियाद यह है, व्यभिचार मतलब क्या है, जो सच्चा परमेश्वर के लिए के विषय में जो तन मन लगा कर मैं सेवा करना चाहिए था, उसी परमेश्वर को मैं ठुकरा कर मैं अन्य देवों के पीछे चले जाता हूँ। ये है एक सच्चा जो है सच्चा बड़ा व्यभिचार का अवस्था। इसलिए एक व्यक्ति और वो जो व्यक्ति इस रीति से व्यभिचार का आत्मिक रीति से जब वो व्यभिचार करता है, हम देखते हैं कि वो जो इफेक्ट जो कार्य उसने आत्मा दशा में किया है वो उसका शारीरिक अवस्था में उसमें दिखाई देता है, और वो इस तरह का अपना शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए वो जाता है। तो इसके शुरुआत नींव बात कहाँ पर होता है, जब एक विश्वासी एक व्यक्ति जो विश्वासी इस तरह का व्यभिचार का पाप में क्यों गिरता है, क्योंकि उन लोगों ने सबसे पहला प्रभु के साथ आत्मिक रीति से वो लोग ने व्यभिचार किया, प्रभु को टुकरा कर वो लोग दूर हो गए, जिसके वजह से इस तरह का शारीरिक अभिलाषा में वो लोग अभी विश्वास होने के बाद भी वो लोग फंसे हुए हैं। They may fool anyone, they may show anyone that they may show, but God knows that this particular sin, God is not actually affected by the immorality practice outside in flesh. The real sin is that he has actually left God already in the spirit. That is why he is running after finding, you know, to fill the pleasure in his heart. तो ऐसे विश्वासी बाहर रूप से वो बहुत ही शातिर रहता है, वो बहुत लोगों को मूर्ख बनाता है, हमें लगता है कि बहुत अच्छा विश्वासी रहेगा, परंतु परमेश्वर जानता है उसका सच्चा दशा क्या है। परंतु परमेश्वर के विषय में हम देखते समय में परमेश्वर का विषय ये नहीं कि ये शारीरिक रीति से वो इतना व्यभिचार कर रहा है, बल्कि वो तो व्यभिचार में वो गिर चुका है, परंतु उससे भी पहला बड़ा पाप उसने तभी कर दिया जब उसने परमेश्वर के खिलाफ हो गया, वो आत्मिक रीति से उसने व्यभिचार कर प्रभु से दूर हो गया। वो है वो मूल बात, वो प्रभु से दूर हो गया इसलिए शारीरिक रीति से अपना अभिलाषा को पूरा करने के लिए शरीर में व्यभिचार करता है। That is why the Lord said, you things, you know, from his mind, does not have to do it. You know, I'm not looking for that. Even if he thinks he is actually gone away from me. इसीलिए प्रभु ने इस विषय में कहा था उसको शारीरिक रीति से करने का जरूरत नहीं है, परंतु जस्ट उसने अगर वो संकल्प किया, उसने अगर विचार किया, वो काफी है, उसने व्यभिचार का पाप कर दिया है। There are so many, I'm telling you, there are so many forced prostitutions, there are so many forced abducted women and abused and, you know, trapped women, you know, they are forced to, you know, sleep with, you know, so many men. They don't want it. They cry. They weep. They are bleeding. The souls are bleeding. They call upon God to save them. They don't enjoy that harlotry or immorality. You know, they are trapped. You know, the God is having compassion towards such people. God is having compassion to the immoral and fallen people. Why? Because from their heart, from their mind, they don't want to do it. You know, a person, you know, who may not be a prostitute. He may be, you know, in a well corporate company working with tie and suit, you know, but, you know, he may be full of adultery and God will be detesting such a person, but God will have compassion with such a prostitute who doesn't want to do but is fallen and forced into. The problem is not the physical, the problem is the spiritually you have gone away from God. That is the sin. That is why adultery and fornication is sin. इसलिए हमें सबसे बड़ा विषय को ये बात है, हमें समझना चाहिए कि वो शारीरिक रीति से जो करता है उससे भी भयानक और उससे बदतर अवस्था है जो हम देखते हैं कि जो प्रभु के साथ का जो आत्मिक रिश्ता था उसने तोड़ दिया है। इसलिए हम देखते समय में हम इस दुनिया में बहुत से प्राणों को हम देखते हैं कि वो लोग बहुत इस रीति से बहुत तड़प रहे हैं, वो लोग बहुत तकलीफ में है। बहुत से स्त्रियों को हम देखते हैं इस दुनिया में जो इस व्यभिचार का इस धंधा में फंसे हुए स्त्रियां लोग, उन लोगों का अवस्था क्या है देखो, उन लोगों को ये सब करने में खुशी नहीं है, उन लोगों का मन नहीं रहता है, परंतु उनको जबरदस्ती उन लोगों को इस धंधे में गिर जाने के बजाय
वजह से उन लोग फंस चुके हैं, उन लोग बंधन में है, उन लोग शरीर में बहुत तकलीफ और वेदना में है, उन लोग पूरे मन से चाहते नहीं है कि ये सब करे। हम देखते और प्रभु हम देखते हैं कि प्रभु के जीवन में प्रभु ऐसे लोगों के ऐसे स्त्रियों के साथ जो व्यभिचार में फंसा हुआ था, जो बाहरी रीति से करने नहीं चाहते, प्रभु उनके ऊपर ज्यादा दया दिखाया है, क्योंकि प्रभु को उस बाहर का रीति का पाप को नहीं। हम देखते हैं कि दुनिया में एक मनुष्य बाहर रीति से अच्छा सूट कोट पहनकर समाज में इज्जतदार पदवी में रहेगा बाहरी रीति से, परंतु अंदर वो प्रभु से दूर है। मतलब क्या है, वो अंदर उसने पहले से ही वो व्यभिचार का पाप कर चुका है। तो परमेश्वर ऐसा जो अंदरी रीति से जो व्यभिचार किया है उसको ज्यादा घृणित करता है, परंतु एक व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु उसके ऊपर दया दिखाता है, उसको मौका देता है उद्धार के लिए। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु ऐसे लोगों को जो जो नहीं चाहता नहीं करे उनके ऊपर प्रभु ज्यादा दया दिखाता है। I hope that now your eyes are opening to understand why God has asked us not to commit adultery and fornication, because you are, before even you have committed that in the spiritual realm, you've already committed adultery against God and gone after other spirits. I don't know which spirits of various lusts are there in this world. This world is full of lusts, and it is in the form of serpents. That once you allow that serpent to come and entice you, it will wrap you with its tail and will not leave you. It will have its clutches upon all your parts of your body and your flesh. And various signs will come out. You start getting addicted to certain physical objects and this way you will be taken away from pure love of God. You will be taken away to love other things or things of the world, or even it will start showing signs. If you are married, in your married life also you start feeling, you will start losing the affection towards your wife, or wife starts losing the affection to submit to husband. And these are the beginning signs of your having already departed in your spirit towards the sin of adultery. और इसलिए हम देखते हैं कि इसलिए मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रिय भाई बहनों, आप लोग इस विषय में समझ गए होंगे कि विचार का विषय में क्यों हमें इसको बहुत गंभीर रीति से देखना है। बहुत बड़ा गंभीर पाप है। शारीरिक रीति से वो विचार करने से वो करता है जो अदशा में है, उसके पहले ही वो क्या हो चुका है, प्रभु से वो दूर हो चुका है। आत्मिक रीति से उसने विचार कर प्रभु से दूर होकर उसने वो पहले से ही वो पाप कर चुका है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो शारीरिक रीति में वो इस सब बातें करता है। इसलिए हम देखते हैं कि विश्वासियों के जीवन में वो लोग ऐसे ऐसे कुछ कुछ वस्तुओं को वो लोग ज्यादा मोह करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। वो ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि इस रीति से उन लोग ने आत्मिक व्यभिचार करके उन लोगों ने बाकी अन्य दुष्ट आत्माओं को कब्जा करने के लिए उन लोग ने मौका दिया है। ये बहुत से इस तरह का मोह करने वाला दुष्ट आत्माएं है, जो एक सर्प के समान, एक अजगर के समान है, जो विश्वासियों को जकड़ कर रखता है, एकदम दबा के रखता है, उस बंधन में वो लोग फंसा के रखते हैं, जिसका इफेक्ट हम देखते हैं शारीरिक रीति में। वो लोग एक एक चीजों को, वस्तुओं को, संसार की बातों को वो लोग पसंद करने लगते हैं, प्रिय जानने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग को प्रभु के साथ का संगति वो लोग को पसंद नहीं रहता, परंतु वो संसार की चीजें, वो अलग अलग वस्तुओं पे वो लोग मन लगाते हैं, उस पे वो लोग ज्यादा समय देते हैं, प्रभु को समय नहीं देता। और इस रीति से जो विवाहित लोग के जीवन में, परिवार में भी हम देखते समय में, वो लोग एक विवाहित पुरुष अपने पत्नी को छोड़कर दूसरा कोई बातों में खुशी देखता है, और विवाहित पत्नी अपना पति को छोड़कर दूसरा बातों में खुशी देखता है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि पहला उसमें आत्मिक प्रीति का वो व्यभिचार हो गया है, जिसमें हम देखते हैं कि चिन्ह के रूप में उसका शरीर में भी वो अभिलाषा बार प्रकट होने रहता है। You may think it is so easy, let me just commit one sin and get out. I mean, it's a big trap. One sin means you're already neck deep in. आप लोगों को लगेगा कि ये एक पाप है ना, एक बार मैं करके देख लेता हूँ, एक बार मैं कर लेता हूँ, फिर मैं जल्दी बाहर निकलूंगा करके, परंतु प्रियो एक बहुत बड़ा जाल है, एक बहुत बड़ा फंदा है, क्योंकि एक बार कर दिया मतलब तुमने पूर्ण रीति से उस पाप में उसमें डुबकी लगा दिया है, पूर्ण रीति से डूब चुका है, फिर बाहर निकलने के लिए बहुत तकलीफ होता है। सात का सोलह इसके लिए हम पौलोस ने छह का सोलह में पौलोस वहां पर एक बात कहता है, क्या तुम नहीं जानते
और डू यू नॉट नो दैट हेलो डिस्कनेक्ट हुआ क्या? वर्स 16 16 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या के से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन हो गए। Not very ordinary spiritual law. This is Paul having seen the spirit realm. What happens? The effect of committing harlotry is what he is mentioning here. ये कोई कोई साधारण बात का पाप के विषय में जो कानून के रूप में बता के दे रहा है वैसा नहीं है। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आत्मिक दुनिया में देखा, आत्मिक दुनिया का अवस्था को उसने देखा है, वो दशा को देखा है, इसलिए वो कहता है कि तुम जो व्यभिचार के साथ यानी कि वेश्या के साथ जो तुम संगति कर रहे हो वो एक बहुत बड़ा व्यभिचार का पाप है। और ये कोई ऐसा पाप नहीं है कि हम लोग बचकर हाथ धो लिया तो हम लोग बचकर बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। This is a way for the spirits to come and dwell in your flesh or exercise, if not dwelling, exercising their authority on your flesh. That means it will be very terrible if that man wants to get out of that particular thing. He'll have to prize in his flesh. The Satan will torment him in the flesh. और इसके लिए हम देखते हैं कि ये कोई छोटा विषय नहीं है, क्योंकि जिस रीति एक बार उस व्यभिचार का फंदे में वो फंस जाता है तो हम देखते हैं कि आत्मिक दुनिया में दुष्ट आत्मा को उस व्यक्ति के अंदर कार्य करने के लिए पूर्ण रीति से एक द्वार खुल जाता है, एक फाटा खुल जाता है, जिसकी वजह से उस शैतान दुष्ट आत्मा के सेने उन लोगों को अधिकार मिलता है, मौका मिलता है उस व्यक्ति को सताने के लिए, उपद्रव करने के लिए। और ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत कोशिश करेगा, यत्न करेगा, वो बहुत तकलीफ और दर्द में जाएगा, क्योंकि शैतान उसको बहुत उसको सताएगा। Because this particular sin is the only sin where he and that particular evil spirit becomes one flesh. क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसा प्रकार का पाप है जहां पर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति और वो जो 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 व्यभिचार का वो जो आत्मा है, दुष्ट आत्मा, जो दुष्ट आत्मा है, वो दोनों एक तन हो जाते हैं। and when it becomes one flesh, we know if we try to tear off, we need to separate that particular organ. It needs to be torn. It has to go through a very painful देखते हैं कि शरीर का जब अंग को हम लोग जब क्योंकि वो देह के साथ एक अंग हो जाने के बाद उस अंग को उस अंग को अगर बाहर निकालना हो तो उसको फाड़ कर खींच कर उखाड़ना पड़ता है, जो बहुत दर्द देता है पूरा देह को। And so there are so many believers now, ended up innocently or ignorantly or knowingly and brought themselves into many such sin, and they need to really repent to God and ask Lord, am I really a born again person and joined with you, or am I really of Christ or in Christ, or I'm not? I'm a citizen. My body belongs to whom? Is it to this harlot? Or is it to you, Lord? Because my Lord paid the price. He shed his blood so that, I've been purchased by him. So my entire body, soul, and spirit belongs to my Lord. And then how dare did I let this particular part of my body to be given to the harlot, So this is not an ordinary sin. This is a great sin. And we need to bring this matter before the Lord. And this is why we see that you partake of bread and wine in this state, you are committing a big heavenly spiritual crime.
दिस वेरी मिस यू ब्रिंगिंग लॉट ऑफ पनिशमेंट अपॉन यू। और हम देखते हैं कि इस रीति से दुनिया भर के जो विश्वासी लोग हैं, आज बहुत सारे विश्वासी लोग इस तरह के अलग अलग व्यभिचार के पापों में वो लोग फंस चुके हैं, और वो लोग एक फंदे में वो लोग फंस चुके हैं, और इस बात पे वो लोग गिरते रहते हैं। क्योंकि इसलिए इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने परखना है कि क्या मैं सचमुच मैंने मेरे देह को उस वेश्या को का हाथ में सौंपा हो गया। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा प्रभु ने, हम समझते हैं कि मेरे प्रभु ने हमारे लिए मूल दाम देकर हमें खरीदा है, हमें हमारा आत्मा, हमारा प्राण और हमारा देह, हमारे शरीर को उन्होंने मूल दाम देकर खरीदा, इसलिए मैं अभी संपूर्ण रीति से प्रभु का होना चाहिए। तो इसलिए प्रभु क्या मैं आत्मा में आपके साथ एक होकर मैं जी रहा हूँ, या उस वेश्या के साथ मैं एक तन होकर जी रहा हूँ, इस तरह को हमें परखना है। और ये एक बहुत गंभीर है, एक छोटा पाप नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। जब एक विश्वासी इस तरीके के व्यभिचार में जब वो फंस जाते हैं समय में, आत्मिक दशा में वो गिरे रहते हैं समय में, जब वो प्रभु मेज भी अगर वो लेगा तो वो आत्मिक रीति से बहुत बड़ा गुनाह वो कर रहा है। We may think this is not just for man. अब म्यूट हो गया ब्रदर। This is in connection with her having submitted as church submitted under the headship of her bridegroom, which is Christ. Under this understanding, if she is supposed to submit and under her physical husband, you know, when we see a woman who is not able to submit to her physical husband, this is a sign that she is already moved away from submitting to her real spiritual husband, which is Christ. This is the sign which is following later. इसके लिए हम देखते हैं कि कलीसिया का में, हम देखते हैं समय में कलीसिया अपने आप को एक कुंवारी के रूप में अपना पुरुष प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में उसने समर्पण किया है। तो आत्मिक में हम देखते हैं समय में प्रभु हमारा आत्मिक, वो प्रभु हमारा पति बन चुका है और हम उनके पत्नी है। तो इस रीति से हमें उस प्रभु के साथ हमें एक विश्वास योग्यता का उस जीवन में जीना है, जैसा एक पत्नी ईमानदारी से अपना पति का सेवा करके समर्पण करके जीता है। और इस दुनिया में हम देखते समय में यदि एक पत्नी पति के साथ वो उस शुद्धता में, पवित्रता में, पति के साथ उसको रिश्ता में जीने नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि पहले ही वो आत्मिक रीति से वो प्रभु से दूर हो चुका है, जिसके वजह से वो शारीरिक रीति से अपना शारीरिक पति के साथ आज्ञाकारिता में नहीं जी पा रहा। वो बात बार स्पष्ट प्रकट होता है। And such a woman, you know, will never find satisfaction outside her husband. And then what will happen? She will start searching for many other things and end up, you know, troubling her flesh. Will bring lot of problem to her flesh. Many sicknesses will start coming in her flesh. और इस रीति से हम देखते हैं कि ऐसा स्त्री वो कभी भी शांति शांत नहीं रह पाएगी, खुश रहे, तृप्त नहीं रह पाएगी। एक बार उसका पति को वो छोड़कर गई तो वो बहुत अस्वस्थ होगा, बाहर जाने के बाद भी बहुत तरह अलग अलग तरह का तकलीफों में जाएगा, क्योंकि एक तृप्तता को छोड़कर दूसरा बात पर जाएगा, फिर उसमें तृप्तता नहीं मिला, फिर ऐसा इस रीति से वो अपने आप को, अपने शरीर में, अपने देह को बहुत तड़पने का अवस्था में होगा, जिसके वजह से उसके देह में बहुत सारा बीमारियां भी आ सकता है, ऐसा दशा में वो गिर सकती है। This is based upon the 1 Corinthians chapter 11, when we know when a person breaks bread and wine in an unworthy manner, they bring a lot of sickness upon them. And yes. Many other, you know, based upon that, I'm sharing this to you. और मैं ये मेरा ये बात का बोलने का आधार हम जानते हैं जो पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय में है। वहां पर हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अयोग्य रीति से मेज का भाग लेगा तो उसके जीवन में आने वाला जो बीमारियां है, वहां पर हम पढ़ते हैं अलग अलग बातें उसके जीवन में होगा। उस आधार पर मैं ये बता रहा हूँ, which has been inflicted by you because of your doorway with the spirits with unclean spirit. तुम्हारा देह जो प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो अभी क्या हो गया? अलग अलग बीमारियों के वजह से, तुम्हारा तकलीफ और तुम्हारा गलती के वजह से शैतान और अन्य दुष्टात्माओं को एक दरवाजा बन चुका है, जहां पर वो आकर तुझे सता सके, जिसके वजह से तुमको प्रभु से दूर जाने का अवस्था हो जाएगा। We know that if we have a clean food, we'll have a good health, nutritious food and good health.
But if you have an unclean food, immediately it can bring sickness to us. How do you expect that, you know, if you have a fellowship with unclean spirit and you end up having no consequences in your body because because who is joined to the heart is one flesh. In the flesh, she will be or he will suffer sickness. हम लोग जानते हैं स्वाभाविक रीति से जब हम लोग अच्छा खाना खाता है तो हमारे देह में उसका अच्छा परिणाम होता है और वो अच्छा फल उत्पन्न करता है, हम लोग खुशी रहता है। परंतु अगर हम लोग कुछ गंदा या दुष्ट चीज या बुरा चीज खाता है तो उसका परिणाम हमें देखते हैं, हमारे देह में उसका परिणाम को देखने मिलता है, कोई ना तो कोई बीमारी या कुछ तो कुछ दुर्घटना हमारे देह में आता है। तो अगर ऐसा है तो जरा सोचो आत्मिक दशा में भी अगर हम लोग अशुद्ध आत्माओं के साथ अगर हम लोग संगति रखा तो क्या हमें उसका परिणाम नहीं होगा, ऐसा सोचते होगा? क्योंकि वचन में दिखता है कि जो वेश्या के साथ एक होता है वो एक तन हो जाता है। तो वो भाई हो या बहन हो, इस रीति से वेश्या का इस दुष्ट आत्मा के साथ अगर वो संगति करेगा, रिश्ता रखेगा, तो वो उससे एक तन होकर वो प्रभु से दूर हो जाएगा। We need to understand the spiritual realm. Satan somehow wants to have a foothold in your flesh, in your life. He wants to. और हम इसलिए हमें आत्मिक दुनिया को हमें समझना है क्योंकि शैतान को किसी भी रीति से हमारे पाप में शरीर का जो प्रकृति का स्वभाव के द्वारा तुम्हारे अंदर वो विश्वासी के अंदर कब्जा पाना चाहता है। Therefore he wants, you know, Paul later wants even of not to eat, you know, the food presented to idols. Now somehow, you know, he knows the spirit realm. What is the consequence of that? उसी आधार पर हम देखते हैं, आगे पढ़ते समय में हम देखते हैं कि पौलोस कहता है कि तुम लोग उस प्रकार का भोजन नहीं खाना जो अन्य देवों को चढ़ाया है, क्योंकि वो आत्मिक दुनिया को देखा है और वो जो भोजन जो अन्य देवता को चढ़ाया वो प्रसाद भी नहीं खाना, क्योंकि उसमें वही सामर्थ्य और वही शक्ति कार्य करता है दुष्ट आत्मा का। बेसिकली वांट्स टू हैव फुटहोल्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर ब्रदर और पर्सन, क्योंकि शैतान बस इतना चाह वो किसी भी रीति से वो अपना उस भाई या बहन के ऊपर कब्जा करना चाहता है, अपना अधिकार जताना चाहता है। If it enters in us, it is like giving gate pass for enemy to have a rule upon you. और एक बार ये पाप अगर हमारे अंदर प्रवेश हुआ तो मतलब क्या है कि हमने एक दरवाजा खोल दिया है, हमने उसको एक आजादी दे दिया है कि दुष्ट आत्माएं आकर हमारे अंदर कार्य करें। So chapter 7 verse 1 और अध्याय 7 का 1 में हम पढ़ते हैं। Before that, so I want to conclude the B part or the second part of which Jebu said regarding chapter 6, that the 5, 6, 7 is like 1, 2, 3, so 6. Second part is like Paul ends up by saying that you know, the you have been brought at a price, verse 20, verse 19 and 20. You have been brought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit. There are two parts. You can glorify God in both, in body also and in spirit also. It cannot be only one. It has to be both. तो इसके लिए हम उसका 6:20 में अध्याय 7 में जाने से पहले वाक्य 20 में हम वहां पर देखते हैं जो वहां पर प्रभु वहां पर वचन कहता है कि क्योंकि तुम्हें दाम देकर मोल लिए गए हो, इसके लिए तुम क्या करना, अपने देह के द्वारा परमेश्वर का, वहां पर हिंदी में वो शब्द नहीं आया है, हिंदी में ऐसा आना चाहिए, इसके लिए तुम अपने देह और आत्मा दोनों के साथ तुझे परमेश्वर का महिमा करना है। तो एक सच्चा विश्वासी वो है जो सिर्फ आत्मा ही से नहीं बल्कि प्रभु चाहता है संपूर्ण रीति से उसका देह और उसका आत्मा दोनों इस्तेमाल होना चाहिए प्रभु का महिमा करने के लिए। So if a person is not committing any harlotry in the spiritual realm with any other evil spirits apart from God, then in the bodily also he'll be able to glorify God. We can see such a brother even outwardly. When we say outwardly, it will become manifested by his very life, by his conduct, by his way of dealing, by way of his works, the adoration towards God, his service towards brothers, his worshipping aspect, his priesthood. All these things will be seen bodily outside if the spirit is proper with God.
इसके लिए और हम ऐसा देखते हैं कि जो भाई जो आत्मा में जो शुद्ध रहा है, शुद्ध अपने आप को शुद्ध रखा है, हम देखते हैं कि उसका देह में भी वो अपने आप वो शुद्धता का वो कार्य का हम देख सकते हैं, बाहर रीति से हम देख सकते हैं। इसलिए जो भाई अपने आप को बाकी अन्य दुष्ट आत्माओं के साथ कोई भी उसने रिश्ता रखा ना हो, या व्यभिचार किया ना हो, या कोई भी वेश्या के साथ रिश्ता ना रखा हो आत्मा में, तुरंत हम लोग उसका उसका शारीरिक रीति के जीवन में भी देखते समय में उसका अवस्था को, उसका वो फल को हम देख सकते हैं। वो व्यक्ति फिर देह में जीते समय में किस तरह भाइयों के साथ लेन देन करना, उसका स्वभाव, उसका वचन का कार्य प्रभु का साथ, ये सब कलीसिया में उसका कार्य, ये सब बातें कलीसिया के लिए लाभ और भाइयों का उन्नति के लिए, ये सब बातों को स्पष्ट रीति से हमें देखने को मिलेगा और हमें मालूम पड़ेगा कि वो भाई किस रीति में जी रहा है। Let us, brother, encourage one another to, you know, exhibit what is the one who is in you, be manifested out. इसलिए हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन करें और एक दूसरे को हम लोग बलवंत करें और हम लोग एक दूसरे को और एनकरेज करके रहे बताए समझे कि जो हमारे अंदर का जो जीवन है, जो मसीह है, वो ही हमारा बाहर भी प्रकट होए। The one who is inside you should be the one who needs to be manifested out. But today people are manifesting upon their flesh what there is, what they are manifesting out. तो इसके इसलिए एक सच्चा विश्वासी का अवस्था देखते समय में, दशा देखते समय में वो क्या रहता है, जो उसके अंदर आत्मा है, जो प्रकट हुआ है, वही उसका बाहरी जीवन में भी प्रकट रहता है। परंतु हम एक ऐसा मसीह दुनिया में हम जी रहे हैं, समाज में हम जी रहे हैं, जहाँ पर मसीह लोग उनका शरीर में जो बातें प्रकट है या फसा हुआ है, वही बात वो लोग बाहर प्रकट करते हैं, आत्मिक बातों को वो लोग नहीं प्रकट कर पाते। मुझे समझ में नहीं आता किस रीति से आज जो दुनिया भर के जो अपने आप को मसीह लोग बोलते हैं, किस रीति से उन लोगों का कपड़ा वो लोग पहनते हैं, किस रीति से अपने शरीर को और खूबसूरत करने के लिए वो लोग मेकअप लगाते हैं, किस रीति से उन लोग कोई बड़ा आदमी दिखाने के लिए वो लोग टैटू लगाते हैं और इस तरह के बातें शरीर में छाप करते, तो ये सब बातें वो लोग जो कर रहे हैं, किस रीति से एक सच्चा आत्मिक जन जो उसका देह प्रभु का है, वो क्या अपने आप को इस रीति से प्रदर्शन करने के लिए अपना देह को इस्तेमाल करेगा क्या? The world wants us to be more and more fleshly, outwardly. क्योंकि संसार ये चाहता है कि हम लोग और भी शारीरिक रीति से अपने आप को प्रदर्शन करके दिखाए। Everything what is happening in today's social media is nothing but opportunity and a platform to show your flesh, to show yourself, to pose yourself. और आज हम लोग दुनिया में हम देखते हैं समय में जो सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, ये सब जगह पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ऐसा एक स्टेज खड़ा हो गया, बातें तैयार हो गया, जहाँ पर व्यक्ति लोग और वो लोग अपना प्राण को, यानी कि अपना शारीरिक अभिलाषा के जो बता है, वो शारीरिक बातों को प्रकट करने के लिए, अपने आप को प्रदर्शन करके बताने के लिए मैं कुछ हूँ, वो बात का बातें वहां पर तैयार होता है सोशल मीडिया में। The man is promoting, otherwise he is promoting his own self. He is showing his own opinions. He is showing what he likes. He shows what he dislikes. It's all about how him. He is worshipping himself. He does not even realize it. How much he loves himself instead of, you know, a person, you know, hating his own flesh and exhibiting only Christ, you know, let Christ only be seen, let Christ only be manifested. इसलिए सोशल मीडिया में आज लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने आप को प्रदर्शन करके दिखाते हैं, वो लोग और वो लोग बताते हैं, वो लोग अपने आप को इतना खुलासा करके बताना चाहते हैं कि देखो मैंने मुझे ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है, इस तरह अपने आप को वो लोग एक अपने आप का आराधना, एक अपने आप का स्तुति, अपना खुद का प्रशंसा करने का अवस्था में वो लोग ने ये प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके वो लोग करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है परमेश्वर के खिलाफ जो लोग करते हैं, जो अपना खुद का आराधना वो लोग कर रहे हैं। I'm not qualified yet because I don't have a child of my own. If I had a child of my own, I would ensure that I would not let this mobile thing, you know, come closer to my child and, you know, let the whole world be exposed to my child. The doorway for the satanic kingdom and all its principles to influence my child, you know, through the phone. And this is my very humble advice. That you need to teach your child and discipline the child in this matter
and the one who cannot do this, you know, is not even fit to serve the Lord or share the word or speak the word. I mean, what can you do? How can you do that? Your own house, you're not settling in order. How can you settle the world, the affairs of the church brothers and sisters? उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास खुद का बच्चा तो नहीं है, परंतु अगर मैं खुद का बच्चा होता तो मैं सबसे पहला मैं ये यत्न करता कि उसको मैं उसको मोबाइल ना दूं, क्योंकि वो मोबाइल अगर एक बार उसको मिल गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा दुनिया उसको सामने खुल जाने का अवस्था को मैं उसको दे रहा हूँ, वो वस्तु के द्वारा पूरा दुनिया को वो उसके अंदर प्रवेश करने का वो दरवाजा वो खुल जाता है। इसलिए मैं मेरा यत्न पहला वही रहेगा कि मैं उसको संभालू कि उसको संसार उसके अंदर ना प्रवेश करे। इसलिए मेरा दरख्वास्त भी यही है कि हम सब भाई लोग ये बात समझे, अपना घर में वो बात का नियंत्रण लाए कि हम अपने बच्चों को कैसा हमने पालन पोषण करके उनको बड़ा करना है। जो व्यक्ति इस तरह घर को संभाल नहीं सकता, वो कलीसिया को कैसा संभाल सकता है? But according to the word of God, I don't think so. What I'm saying is extreme teaching or teaching of, you know, self holiness. No, brothers, don't misunderstand me. आपको अगर शायद लगता रहेगा मैं थोड़ा सख्ती से बात कर रहा हूँ प्रियो, परंतु ये ऐसा मैं ये मेरा खुद का बात मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं वचन के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब स्पष्ट है और वचन के आधार पर है, और ये कोई स्वयं भक्ति या स्वयं पवित्रता के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु ये वचन है जो मैं बता रहा हूँ। I'm telling you, mobile is now damaging even the married relationship between the couple. मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये मोबाइल की वजह से जो विवाह पारिवारिक जीवन भी उसमें फूट आ रहा है। Because you are actually giving, it's a wonderful, you know, chance for an exposing yourself to the dark spirits of the world. क्योंकि वो एक अच्छा पात्र बनता है, मैं अपने आप को अंधकार का सामर्थ और अंधकार का शैतानी शक्तियों को मेरे अंदर कार्य करने के लिए मौका देता हूँ मैं अपने आप को। Let's glorify God in the spirit, you know, even through the mobile phone if it is for so, but let ensure that we don't get stuck to that phone, or is it more than Bible or more than God? People are stuck to the mobile phone more than Bible, more than God. It is then you have actually become successful in, you know, the enemies become successful in keeping you away from God. और हम देखते हैं कि मोबाइल का तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रभु का महिमा के लिए, परंतु हमें उसके में समझना है कि किस रीति से हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मैं मोबाइल के साथ चिपक चुका हूँ क्या? क्या मैं मोबाइल को प्रभु का वचन और प्रार्थना जीवन और आत्मिक उन्नति को वो बात को छोड़कर मोबाइल में मैं ज्यादा लगा हूँ क्या? क्या मैं प्रभु का वचन को समय दे रहा हूँ ज्यादा, या मोबाइल को मैं ज्यादा समय दे रहा हूँ? इससे हमें मालूम पड़ता है कि मैं किस में चिपका हुआ हूँ। हमें वास्तव में प्रभु को महिमा के लिए प्रभु ने हमें अपने आप को इस्तेमाल होना है, संसार में दबना नहीं है। This is not like a commandment from God I'm sharing with you all. This is my personal, not God, but from my personal wisdom and guidance out of the wisdom from the fear of God which I'm sharing with you all. I'm sure, like if Paul, during the Paul's time, there was no mobile phone. And I'm sure if Paul was today, and if he was, you know, asked for an advice or wisdom, he would surely even touch this particular subject and share to you the same thing that I'm sharing to you. और मैं ऐसा कोई आज्ञा है करके ऐसा सोचकर ऐसा है बोलकर ऐसा मत समझना, क्योंकि ये कोई परमेश्वर की ओर से शक्त आ सकता आज्ञा है ऐसा नहीं है प्रियो, परंतु ये परमेश्वर का वचन को जब मैं मनन करते समय में जो बुद्धि और ज्ञान मुझे प्रभु ने आत्मा ने जो प्रकट किया है, उस बात का आनंद को मैं आप लोगों के बीच में बांट रहा हूँ। तो ये बात तो सच था, जब पौलोस अपने समय में जीते समय में इस तरह का मोबाइल की बातें तो वहां पर नहीं था, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि यदि पौलोस अगर आज के समय में होता, या अगर पौलोस ने मोबाइल को देखा होता, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज मैं जो बोल रहा हूँ वो सेम बातें पौलोस भी बोलता, क्योंकि हमें इस विषय से हमें अपने आप को बचाए रखना है। And with this, I want to stop today now, before we can expound on chapter 7. और इससे मैं आज जो पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय को मैं इधर ही मैं खत्म करना चाहता हूँ, और मैं अपने आप को इधर रुकना चाहता हूँ। प्रभु मौका देंगे तो अगले बार जब हम एकत्र होंगे तो 7 अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। 7 is nothing but a practical wisdom of reading, you know, the house of God, how to walk. But also, while we are reading that, we will get to know the spiritual principles behind why Paul has written that way. We can meditate on it. और हम 7 अध्याय को अगर हम देखेंगे तो वो हमारा व्यक्तिगत जीवन में हम लोग किस रीति से हमें जीना है आत्मा में, वो सर्व की बातें हैं, और जैसा हम लोग उसमें प्रवेश करेंगे एक एक बातें पौलोस ने ऐसा क्यों लिखा है करके हम देखेंगे।
Amen. Praise the Lord.